ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की प्रमुख योजनाओं पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। भारत युवाओं का देश है और युवाओं को उद्यमी और कुशल बनाने के लिए देश के विकास में उनका योगदान तय करने के लिए ये आवश्यक है कि उनका कौशल विकास किया जाए। और इसके लिए पहली बार 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े एक विशेष मंत्रालय की शुरुआत की गई थी और देश में एक पूरा कौशल विकास का जो अब इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों के साथ 1,37,00,000 से भी ज्यादा युवा इस मामले में कुशल बन चुके हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो इसी बात का ये नतीजा है कि जिस तरह से मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं, योजनाएं संचालित की हैं, उनकी बदौलत ये देश में एक पूरा माहौल बना है। आज कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी। तो अतुल जी, सबसे पहले हम अगर आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कुछ योजनाओं और कदमों के बारे में जानना चाहें, तो बीते एक वर्ष में जो उपलब्धियां रही हैं, कुछ अहम कदम उठाए गए हैं मंत्रालय की ओर से, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ आप जानकारी दे सकें। जैसा आपको ज्ञात होगा कि पिछले गत वर्षों में कोविड के महामारी के चलते स्किलिंग, एजुकेशन, इनफैक्ट हमारा सामान्य जनजीवन भी बाधित हुआ था। और जैसे कोविड की प्रकोप थोड़ा कम होने लगा और उसके दौरान भी हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया था। दो नई योजनाएं जो हमने पिछले एक साल में लेके आए, अदर देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान, इनके बारे में एक था हमने कोविड क्रैश कोर्स हम लोग लेके आए थे, जिसके अंतर्गत 1,00,000 युवाओं को जो हेल्थ से रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स हैं हॉस्पिटल में, और पहली बार उसमें क्या हुआ कि उसके साथ स्किलिंग के साथ हमने क्लासरूम कम करके उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और विथ स्टाइपेंड हमने उनको की। उससे फायदा ये हुआ कि जो हमारे युवा हैं वो स्किल होके हॉस्पिटल में गए और नर्सेस और डॉक्टर्स जो रूटीन काम में रहते हैं उनको उन्होंने राहत दी, ताकि डॉक्टर और नर्सेस जो हैं वो मरीजों के इलाज में ज्यादा ध्यान दे पाए। सो दैट वाज वन। सेकंड पॉइंट जो हमने जो किया वो था स्किल हब पायलट। हुआ क्या कि इसमें अंदर हमने जो हमारे शिक्षा और मंत्रालय के जो संस्थाएं हैं जिनमें परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है स्किलिंग के लिए, जो स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, नाइलेट सेंटर हो गए, RCT हो गए, इन तमाम जगहों पे एक पायलट के लेवल पे हमने PMKY स्कीम लॉन्च की। इससे दो बड़े अच्छे परिणाम निकले। एक परिणाम ये निकला कि हमें ये ज्ञात हुआ कि हम अपनी जो स्किलिंग देने वाले जो सेंटर्स हैं उनकी संख्या में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी हम स्किलिंग का प्रोग्राम करें अगर उसमें OJT कॉम्पोनेंट रहे और रेगुलर असेसमेंट रहे तो उससे लोगों को स्किलिंग के बारे में विश्वास बढ़ता है और उनके बच्चों की इम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। साथ ही आपने देखा होगा कि कोविड काल के अंत में सारी चीजें डिजिटल होने लगी। हमने भी डिजिटल स्किलिंग के लिए भारत स्किल और ई स्किल के माध्यम से तमाम अपनी कोर्सेज जो है हमने उनको डिजिटल पोर्टल में डाला, जिससे कि बच्चे उसका उपयोग करके अपनी प्रशिक्षा ले सकें। न्यू एज स्किल्स में हमने डाली। फिर हमने इंटरनेशनल स्किल मोबिलिटी के लिए भी, ताकि हमारे प्रशिक्षित युवा विदेश जाके काम कर सकें, उसके सिलसिले में हमने 16 कंट्रियों के साथ स्किल गैप स्टडी भी की हमने, और हमने एक नया एक वर्टिकल बनाया स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो इसमें काम कर रहा है। फिर हमने इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप के लिए या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हो, जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, युवा जो दिल्ली पुलिस वालों के साथ हम कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, सफाई कर्मचारी इत्यादि, ये भी हमने काफी प्रोग्राम करने की कोशिश की। ये हमारे स्किलिंग लेवल के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। बट सबसे गणनीय चीज जो कमल जी जो हुई है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कैसे स्किलिंग और एजुकेशन को, कौशल विकास और शिक्षा को पास ला सके, और इस दिशा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, गेम चेंजर जिसको मैं कहना चाहूंगा, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हमने जो भी स्किलिंग का प्रोग्राम हो या एजुकेशन का जो पढ़ाई होती है उसको क्रेडिट आवर्स में हमने परिवर्तित किया है, जिससे जो युवा चाहे वो स्किलिंग कर रहा हो या एजुकेशन कर रहा हो उसको इतने सारे क्रेडिट मिलेंगी, जिससे उस क्रेडिट के लाभ से वो आगे बढ़ के हायर स्किलिंग और एजुकेशन की ओर भी जा सकेगा। मंत्रालय की जो एक बड़ी फ्लैगशिप परियोजना रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2021 के शुरुआती महीने में इस परियोजना के तीसरे चरण को शुरू किया गया था और ये चरण जारी है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। इस चरण की सफलता के बारे में हम आपसे टिप्पणी चाहेंगे, और साथ ही अब क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की शुरुआत की तैयारी है, तो आप हमें ये भी जानकारी दें, जिस तरह से तीसरे चरण में 8,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, तो इस चरण में इस तरह से कितने युवाओं
युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और साथ ही क्या कुछ इसमें और चीजें शामिल हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो अभी जो हम संस्करण लेके आने वाले हैं वो चौथा संस्करण होगा और अभी तक 1, 2, 3 संस्करण हमने लगभग 1,37,00,000 युवाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। अभी जो पीएमकेवाई के बारे में जो अक्सर जो कहा जाने लगा कि ये डिमांड ड्रिवन नहीं है और ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स प्राइवेट प्रोवाइडर्स के पीछे अवलंबित हो गया है और इसकी जॉब रोल्स हैं वो समसामयिक नहीं है और इससे लोगों को प्लेसमेंट करने में दिक्कत होती, ये 3-4 मुद्दे पे हमें काफी फीडबैक मिले और हमने इसको काफी ऑनेस्टली हमने इसको लिया और हमने कहा कि इसको कैसे सुधारना चाहिए। तो सुधारने के हमने 2-3 चीज हमने फंडामेंटल इस बार स्कीम में की है। पहली बात ये कि हमारी जो स्किल इंडिया पोर्टल जो है जिसके अंतर्गत सारी उसकी लाइफ साइकिल जिसके अंतर्गत आएंगी उसको हमने पूरा नया बनाया है। उससे क्या होगा कि एक ही जगह पे जो कैंडिडेट होगा उसको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्या कर सकता है, उसकी काउंसलिंग होगी और उसकी रुचि के अनुरूप हम उसको स्किलिंग पे डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसी पोर्टल पे उनकी पूरी लाइफ साइकिल, उनके असेसमेंट होने की व्यवस्था कैसे ऑनलाइन हो सकती है और कैसे स्किलिंग के उपरांत उनके जो सर्टिफिकेट जो जनरेट होगी जो आपके डिजी लॉकर में जाएगी और अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट में जाएगी उसका पोर्टल के साथ कैसे उसको एम्प्लॉयर के साथ लाया जाए वो भी हमने व्यवस्था की। सो पहला पार्ट फंडामेंटल थिंग इज कि हम पोर्टल अपने सिस्टम कैसे बनाए वो हम ऑलरेडी हमने बीटा लॉन्च कर चुके हैं, बहुत जल्दी हम उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन भी करेंगे। दूसरी बात जो कही गई कि आपके जो जॉब रोल्स हैं जो आप स्किलिंग देते हैं वो काफी थिन है तो उसमें मल्टी स्किलिंग नहीं होती, तो हमने सारी चीजें तोड़ के रैशनलाइज करके मल्टी स्किलिंग डाला। करने का मतलब अगर किसी ने हॉस्पिटैलिटी फ्रंट डेस्क की अगर ट्रेनिंग ली है तो बंदा अकाउंट भी देख सकता है, बंदा रूम भी देख सकता है, तो तमाम तरह की चीजें कर सकता है ताकि उनकी इम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। तीसरी चीज हमने जो की है वो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, जैसा मैं आपको बता रहा था कोविड प्रोग्राम के अंतर्गत ऑन द जॉब ट्रेनिंग डालना, तो अभी पहले क्लासरूम से ज्यादा थोड़े से बेसिक ज्ञान के बाद कैसे उनको कार्यस्थल पर ट्रेनिंग दी जाए, इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो और उनकी इम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, ये हमने सबसे बार लिया हुआ है। और जो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन इकोसिस्टम के जो एक्सपेंशन है उसको हमने किया, जैसे मैंने आपको बताया स्किल हब में तमाम उस तरह की संस्थाएं जहां पे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे असेसमेंट एजेंसी ट्रेनिंग एजेंसी हम बना सकते हैं और कैसे हम एक ट्रेनर्स का नेशनल पूल बना सकते हैं, उसके लिए हम अलग से स्कीम लेके आ रहे हैं। तो मेरे लगता है इनफॉर्मल और ट्रेडिशनल सेक्टर पर हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। इस बार जो पीएमकेवाई 4.0 के अंतर जो स्किलिंग होगी वो काफी रोबस्ट होगी और आउटकम ओरिएंटेड होगी और इससे बच्चों के एम्प्लॉयबिलिटी बहुत लेज तक बढ़ेगी क्योंकि स्किलिंग सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ेगी और जब मार्केट को भी पता चलेगा कि इनकी रेगुलर स्किलिंग हो रही है और तरीके से हो रही है तो उनके बारे में उनकी विश्वास भी बढ़ेगा और इम्प्लॉयबल भी हो पाएंगे। आखिर में अतुल जी एक प्रश्न मैं G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंसी ग्रहण करने के बाद कई गतिविधियां हो रही हैं तो इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है? हमारी मिनिस्ट्री जो है वो 2 ट्रैक में इम्प्लीकेटेड है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ एम्प्लॉयमेंट ट्रैक में और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एजुकेशन ट्रैक और दो जिसमें इसके अंतर्गत जो हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं उसका काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लेबर वाले में बात करें तो उसमें हमने कहा है कि हम ये करना चाहेंगे कि कैसे जो इंडिया को प्रेफर्ड सोर्स फॉर स्किल सर्टिफाइड वर्कर बनाने के लिए हमें ग्लोबल स्किल क्वालिफिकेशन को कैसे हार्मोनाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ प्रशिक्षित युवा जो है बाहर के कंट्री में जाने पे उनको फिर अनदर बैरियर अनदर एग्जाम कम से कम करने की कोशिश रहेगी और ताकि वो जहां से जल्दी से ज्यादा वहां इम्प्लॉयबल हो सके। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कि भारतीयों की जो परिभाषा बन रही क्वालिटी स्किल सोर्स कंट्री की जैसे हमारी रेपुटेशन साख वहां बढ़ रही है। जहां तक एजुकेशन ट्रैक में सवाल है तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोविड के बाद खासकर हमारी पूरी लाइफ सिस्टम हमारी सभ्यता ही चेंज हो गई तो अभी बहुत सारी जो फ्यूचर ऑफ वर्क जो होने वाला है जिसमें डिजिटल सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ऑटोमेशन होगा, तो वहां पे हम ये काम कर रहे हैं कि कैसे हम कैपेसिटीज बढ़ाएं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क। और यहां पे भी इंडिया के आगे बढ़ने के लिए तमाम क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है, डिजिटाइजेशन हमारे पास ज्यादा है, वी हैव वेरी टैलेंटेड एंड यंग पॉपुलेशन, तो इन सी चीजों से भी इंडिया को आगे में G20 के तत्वाधान में अगर ये विषय हम लेके आए तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन मुद्दों पे मिलेगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आकाशवाणी समाचार के साथ मंत्रालय से जुड़ी हुई इन विभिन्न परियोजनाओं और कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की प्रमुख योजनाओं पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।